अच्छी बात, लाश तखरे में पली हुई है, छोटी छोटी बात पे रोने लगती है, गुस्से में आ जाती है, उसे सब कैसे बताऊंगा बच्चे, क्या कहूंगा उससे मैं? कहीं तो इलाज होगा उसका। अमेरिका जरूर लेके जाऊंगा। उसकी दुआ करना, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ पाऊ सकता। मजबूर बाप तुम्हारे सामने हाथ जोड़ रहा है उसकी जिंदगी के लिए, सेहत के लिए। एक मजबूर बाप तुम्हारे सामने दुआ कर रहा हूँ बेटा, उसके लिए दुआ कर लेना। मैं दुआ कर रही हूँ, लेकिन अपने आप को तो संभालें। अगर आप यूं इस तरह टूट जाएंगे तो सुंबल को कौन दिलासा देगा? खुदा के लिए खुद को संभाल। अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखते हैं ना, वो बेहतर करेगा। आप सलाम अलैकुम भाईजन, तुझे जूस का था मेरे लिए लेके आ, कहाँ है तू जूस? वो जी मैं आपके कमरे में लेके गई थी, आप ही पता नहीं किधर थी। तो ढूंढ लेती, मैं इस्लामाबाद चली गई थी। समझ नहीं आ रही कि आपको मुबारकबाद दूं या ना दूं, मौका तो नहीं है पर नवासी की मुबारक हो पाए ना आपको, अल्लाह मियां जिंदगी वाली हो। और सुंबल भी अल्लाह करे ठीक हो जाए, हम जैसों के साथ बड़ी ज्यादती की है उसने। खैर हमने तो माफ कर दिया है, आगे अल्लाह भी माफ करे। दुर्योधन तबरेज आया ना तो मेरे कमरे में भेज दी उसको। मेरा पुत्र तो बेचारा पागल ही हो गया, घन चक्कर ही बन गया, दफ्तर अस्पताल इधर घर, कोई हाल नहीं, इतना सा मुंह निकल आया उस बेचारे का। उसको तो कोई देखने वाला भी नहीं, उसका ख्याल ही करने वाला नहीं। मैंने समझाया उसे कि भाई जान है तो जान है, अपना ख्याल कर। ऊपर से कुड़ी हो गई, क्या कर सकते हैं, मुंडा हो जाता ना तो मेरा पुत्र भी सीना तान के चलता। पर कहां नसीब वालों के होते हैं बेटे। नीना जूस लेके आ मेरे कमरे में जल्दी। परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा।